नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई गई। शहर काजी माजिद अली द्वारा सभी मुस्लिमों को ईद की नमाज अदा कराई गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी महेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ईदगाह पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईद की नमाज अदा कराने के बाद मुल्क की तरक्की और अमन अमान की दुआ मांगी गई। दरअसल देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। त्यौहार को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी महेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, ADM अरविंद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, फायर ऑफिसर अजय कुमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विकास कुमार सहित भारी पुलिस बल ईद की नमाज अदा होने के दौरान मौके पर मौजूद रहा। वहीं बिजनौर बसपा सांसद मलूक नागर, पालिका के पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी, लोकदल नेता डॉक्टर नीरज चौधरी द्वारा सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी गई। शहर काजी माजिद अली ने जानकारी देते हुए बताया, हमें इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि कुर्बानी को पर्दे में किया जाए। जो हमारे परंपरागत जो जानवर हैं, जैसे कि कटरा है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, जिन चीज़ों की कुर्बानी होती है उनकी कुर्बानी करें और पर्दे के अंदर करें। कहीं खुली जगह पे कुर्बानी ना करें, सड़कों पे कुर्बानी ना करें। कुर्बानी का जो खून है वो नालियों में ना बहाएं, बल्कि गड्ढा खोदकर उसके अंदर कुर्बानी करें। कुर्बानी के बाद जो इसके अवशेष बाकी रह जाते हैं उनको नगर पालिका की गाड़ी के अंदर डालें, कोई खुले में ना डालें। इससे गंदगी भी फैलती है, बीमारी भी फैलती है। लिहाजा जो नगर पालिका की गाड़ियाँ घूमेंगी उसके अंदर ही जो भी अवशेष बचे होते हैं जो भी, वो सब उसके अंदर डालें। सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखें। कुर्बानी जिन जगहों पर होती है, ख़ास तौर से गांव देहात के अंदर, बहुत से गांवों में कुर्बानी नहीं होती, किसी एक जगह होती है, कई कई गाँव की मिला के, तो जहाँ होती है वहीं पर कुर्बानी करें। और जिस तरीके से जो परंपरागत रास्ते हैं जहाँ से गोश्त लेके जाते हैं उन्हीं रास्तों से लेकर जाएँ और हर हाल में अमन अमान कायम रखें, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको जिंदा रखें। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।